मैं आधी रात को घर लौटा और देखा कि मेरा दोस्त निखिल और मेरी पत्नी समीरा मेरी जानकारी के बिना मेरे बेडरूम में प्यार के पल बिता रहे हैं। मैं कंधे पर तौलिया रख कर काफी देर से अपनी पत्नी समीरा के पीछे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। आखिर जब मुझे मजबूरन उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचना पड़ा तो उसने गुस्से में कहा, तमीम आपकी दिक्कत क्या है? शादी के इतने सालों बाद मुझे आपके साथ क्यों नहाना होगा? मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी पत्नी को अचानक गुस्से में देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, क्या बात है, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? समीरा बिना कुछ कहे चली गई। मैं बाथरूम में गया और सोचने लगा, मेरी पत्नी इतनी क्यों बदल गई? कुछ दिन पहले तक तो ऐसा नहीं था, वो हर वक्त मेरा पीछा करती रहती थी। जब मैं नहाने जाता था तो वो जबरदस्ती बाथरूम में घुस जाती थी। मैं हर दिन घर लौटता था और देखता था कि समीरा बालकनी में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। हालांकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अब वो बालकनी में मेरे लिए खड़ी नहीं होती। नहाने के लिए बुलाने पर भी वो नहीं आती। नहाने के बाद घर की नौकरानी नैना चाची आई और बोली, बेटा क्या मुझसे बिना जाने कोई गलती हो गई? मैंने कहा, नहीं चाची, क्या हुआ? समीरा मैम ने मुझे कल से काम पर आने के लिए मना कर दिया। क्या बात है, क्या तुमने कल से नैना चाची को काम पर आने के लिए मना किया है? समीरा ने कहा, दोने पहुंचने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है, क्या इन्हीं के लिए हमें और लोगों की जरूरत है? कल से ये काम मैं खुद कर लूंगी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, जब से मेरे माता पिता जीवित थे तब से नैना चाची हमारे घर का काम करती आ रही है, आप अचानक उसे ऐसे मना नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर समीरा बोली, मुझे लगता है कि उनकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे मना किया है। दिक्कत क्या है? क्या मुझे इस दुनिया में किसी चीज पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है? आपको जरूर फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन आप अचानक ऐसे फैसला नहीं ले सकती। पास ही मौजूद नैना चाची ने हमारा झगड़ा और गुस्सा देखकर कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार में कोई परेशानी हो, मैं कल से नहीं आऊंगी। इतना कहकर नैना चाची चली गई। मैं और मेरा दोस्त निखिल एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मुझे उदास देखकर उसने कहा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैंने कहा, मुझे समीरा में बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं, अचानक बहुत कुछ बदल गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। निखिल ने कहा, लड़कियां खुद की मन की बात नहीं समझती, तुम कैसे समझोगे? चिंता मत करो, भाभी को थोड़ा समय दो और देखो सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें ऑफिस के काम के लिए दिल्ली जाना है। मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, तुम्हें दिल्ली जाना था, मुझे क्यों जाना है? निखिल थोड़ा गंदा सा मुंह बनाकर बोला, मैं तो चला जाता लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी का बच्चा होगा, इस वक्त उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, मुझे बताओ कि इस हालत में क्या करना चाहिए। तो मैंने बॉस से कहा कि मेरी जगह तुम्हें भेज दे। खैर अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी बहन को डॉक्टर के पास ले जाना है, अगर बॉस कुछ पूछता है तो थोड़ा संभाल लेना। मैंने निखिल से कहा, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, भाभी का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद निखिल ऑफिस से चला गया। मैंने सारे विचार एक तरफ छोड़ दिए और काम पर ध्यान केंद्रित किया। शाम को घर आकर फ्रेश होकर सोने के बाद मेरी नजर तकिए के नीचे एक लाइटर पर पड़ी। ये देखकर मेरा सीना बोझ से दब गया। सबसे पहले तो मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मेरे तकिए के नीचे लाइटर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, ये निखिल का लाइटर है जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। पत्नी का अचानक से बदलना, जब मैं ऑफिस आया तो निखिल का अचानक से चले जाना, नैना चाची को बिना वजह निकाल देना, ये सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। हालांकि मैंने पत्नी से कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने पूरी रात आंखों में आंसू लेकर जागते हुए बिताई। अगले दिन मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी से कहा, मैं ऑफिस के काम के लिए 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। दरअसल मैं दिल्ली नहीं गया था, समीरा और निखिल के बीच क्या चल रहा है यह सामने लाने के लिए मैंने नाटक किया और रात होने का इंतजार करने लगा। मैं आधी रात को घर आया और मेरे पास जो चाबी थी उससे मैं घर में दाखिल हुआ। मैं अपने शयन कक्ष के सामने आया और निखिल और समीरा की हंसी सुनी। मैं कमरे में न जाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया। जब उनकी हंसी की आवाज मेरे कानों में आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने की हड्डियां टूट रही हो। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी पानी का गिलास लेकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई। अचानक मुझे सोफे पर बैठा देखकर उसने डर के मारे अपने हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरा दिया। कांच टूटने की आवाज सुनकर निखिल कमरे से बाहर आया तो मैंने निखिल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना, लेकिन तुमने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया और मेरी पत्नी का ख्याल रखने आ गए। अगर कोई घर में मुसीबत हो तो मुझे बताता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा।
मेरी बात सुनकर निखिल ने अपना सर नीचे कर लिया और समीरा ने मेरा पैर पकड़ लिया और बोली, मुझसे गलती हो गई। मैं दूसरी ओर हट गया और अपनी पत्नी से कहा, यदि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किसी की हत्या की होती तो मैं उस हत्या की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता, लेकिन तुमने अपना सतीत्व दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया और तुमने अपना शरीर दूसरों को दे दिया? लेकिन घबराना नहीं, मैं आपकी हरकतों को इन चार दीवारी के अंदर ही रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि समाज के लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से देखें। तुम कभी मेरी पत्नी थी, बस इसी वजह से प्लीज कल सुबह घर से निकल जाना और मुझे तलाक देकर रिहा कर देना। मैं निखिल के सामने गया और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे दे दिया और कहा, मैं चाहूं तो सब कुछ बता सकता था तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकता था, लेकिन तुम्हारे होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर मैंने ऐसा नहीं किया। समीरा रो रही है, लेकिन उसके डबडबाई आंखों को देखकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा नफरत हो रही थी। दो दिन पहले भी अगर मैं उसकी आंखों में जरा सा भी आंसू देखता तो मेरी छाती फट जाया करती थी।